विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमाचल के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इसकी शुरुआत आज पुलिस विभाग से की गई। शिमला के SP संजीव गांधी को नशे के खिलाफ व्यापक मुहिम छेड़ने के लिए सम्मानित किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन अनिल गोयल ने कहा कि सोसाइटी द्वारा विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही देश का नाम रोशन करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रामेश्वर ठाकुर भी शामिल है, जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। सेना प्रमुख द्वारा उन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए, सोसाइटी अनेक अवसरों पर इस तरह के कार्य आयोजित करती है और जिस तरह से SP शिमला गांधी जी ने अपने नशे के खिलाफ एक व्यापक मुहिम छेड़ी है और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो और किसी भी क्षेत्र के लोग होंगे जिन्होंने अपने कार्य में कार्य क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए हों और प्रदेश का नाम देश के अंदर रोशन किया हो, हमारी सोसाइटी उन सभी, जिसमें पत्रकार भी बंधु भी शामिल होंगे, उन सभी को सम्मानित करने का निश्चय किया है। देखिए, हमारी सोसाइटी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करती है और योगा के शिविर 70 स्कूलों में योगा के शिविर इसने लगाए हैं। SSA के स्टेट लेवल के कैंप लगे हैं, NSSA के स्टेट लेवल के कैंप लगे हैं। पौधारोपण इस सोसाइटी ने किया है और लॉकडाउन के समय माननीय राज्यपाल लालू दत्तात्रेय जी ने भी हमारी सोसाइटी को सम्मानित किया था और उस वक्त भी एक काफ़ी ब्लड की जो जरूरत थी, हमारी सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर उस वक्त भी ब्लड डोनेट किया था। देखिए, अब अगला हमारे जो है इसमें खेल जगत से भी हैं और उससे पहले हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी SPG के मुखिया रहे हैं, 4 प्रधानमंत्री के साथ SPG के हेड भी रहे हैं, रमेश्वर ठाकुर जी, हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जल्दी हम उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद खेल जगत में हमारे राष्ट्रीय जो हैं अपने कोच वॉलीबॉल के सतीश शर्मा जी, उनको करेंगे। उसके बाद पत्रकारिता में और विभिन्न क्षेत्रों में हम 8-10 लोगों को जोड़कर उनको सम्मानित करने का कार्य करेंगे।